देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं ये राइस शेल्स। इनको आप स्नैक्स के तौर पे भर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इनको मेयोनीज भर के और टिक्की पनीर की पनीर की स्टफिंग भर के सर्व किया है। तो अब इनको एक बार ही ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं चावल का कुरकुरा सा नाश्ता, जिसको आप अलग अलग ढंग से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, सर्व भी कर सकते हैं, और इसको आप एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग जार। इसमें मैंने डाला है एक छोटा सा प्याज काट लिया है, और इसमें मैं डालूँगी, अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं साथ में, और एक चम्मच जीरा, और साथ में ये एक चम्मच डेजिकेटेड कोकोनट। ये मेरा छोटा टीस्पून है, तो मैं भर के दो चम्मच ले रही हूँ। आप बड़ा एक चम्मच डालें, और ज़रा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसको भी उसको अवॉइड कर सकते हैं, और आप खाली ये नारियल और जीरे का पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये पेस्ट बना लिया मैंने प्याज और नारियल और जीरे का। अब हम लेंगे एक पैन, और उस पैन में जिस कप से हमने चावल लिए हैं उसी कप से हम डालेंगे एक कप पानी। और 1/4 कप पानी, ये पानी मैं मिक्सी का जग धोने में और इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं इस पानी को डाल दूँगी। एक जितने हमने चावल लिए एक कप वो और आधा कप और पानी लेना है। अब इस पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हम इसे सर्व भी अलग अलग ढंग से करेंगे इसको, तो उनमें भी हम नमक डालेंगे इसलिए। और ये एक चम्मच कलौंजी, ये कलौंजी से इसमें देखने में बड़े अच्छे लगेंगे। कलौंजी की जगह आप काले तिल भी डाल सकते हैं और सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है, जो भी चीज़ आप डालना चाहें। और साथ में ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आएगा। ये पेस्ट डालेंगे, ये देखिए। और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप इसमें केवल जीरा और नारियल को, ये जो हमने आधा कप पानी और डालना था वो मैं इस तरह से डाल दूंगी। मिक्सी का जग भी सारा इसमें से निकल आएगा सामान जो हमारा रह गया इसमें। ये देखिए, ये पानी मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। देखिए, अब हमारे पानी में उबाल आने लगा है। ये देखिए, अब हम फ्लेम को सिम कर देंगे, और ये चावल काटा धीरे धीरे इसमें मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, लम्स पड़ने का खतरा रहता है। हम इसको धीरे धीरे मिलाएंगे, और इसको मिला के हम अच्छे से, अगर आपको लगे आपका पानी ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल काटा और डाल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा इसमें पानी आप और डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा पानी ज़्यादा है तो मैं ये, और इसको हम अच्छे से, अब इसे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे, और फिर हम इसको आगे बनाएंगे, ढककर रख देंगे। देखिए, अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हमारा ये आटा तैयार है। हमें चावल के आटे को गरम गरम ही करना पड़ता है, मलना पड़ता है, इसलिए इसे हम बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ा गरम गरम को ही। आप चाहें तो इसे हाथों से मलें, चाहें तो जैसे मैं मल रही हूँ इस तरह से मल सकते हैं, वरना हाथों पे तेल लगाइए और एक डो जैसा बना लीजिए इसका। चाहें तो आप इसको ऐसे भी मल सकते हैं, आपके हाथ गर्म चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं,
तो आप इसको इस तरह से मल लें। मलते मलते ये ठंडा भी हो जाएगा और हमारा स्मूथ भी हो जाएगा। देखिए हमारा ये डो स्मूथ हो गया है बिल्कुल। हाथों को तेल से ग्रीस करके, ये गरम, ये अब भी काफ़ी है पर फिर भी इसे हमें गर्म ही हैंडल करना है, इसलिए ठंडा होने पे ये सूख जाता है, इसलिए इसे हमें गर्म ही हैंडल करना है। देखिए हमारा ये बिल्कुल स्मूथ सा डो बन गया है। मैंने पहले स्पैचुला से करा और अब हाथों से करा, और इसके देखिए आप बॉल बना के देखिए, बिल्कुल स्मूथ बॉल बन रहा है। इसका मतलब है हमारा आटा बिल्कुल ही इसका स्मूथ है। अब हम इसका आगे का शुरू करते हैं। हम बनाएंगे ये बॉल, ये देखिए हम बनाएंगे एक बड़ा सा बॉल, और इसे हम करेंगे चावल के आटे में डस्ट। इसे चाहें तो आप कुक अपने चॉपिंग बोर्ड, जो हम बोर्ड इस्तेमाल करते हैं उस पर, या रोटी जिस पे हम बेलते हैं चकला, उस पे भी बेल सकते हैं। और अगर आप बड़ा गोला ले रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी बेल सकते हैं। इसको बेल लेते हैं, हल्के हाथों से बेलना है। आपने देखा होगा मैंने जोर से बेलन लगा दिया था तो ये नहीं बेल पा रहा था, क्रैक हो गया था, तो इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। और ज़रूरत पड़े तो आप चावल का आटा लगाते रहें इसमें। और ये जो साइडों में क्रैक्स आ रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इसमें से राउंडल्स निकाल लेंगे अपने शेल्स बनाने के लिए। और ये जो हमारा बचेगा इसको हम देखिए, हमने बहुत पतला नहीं बेलना, बहुत मोटा नहीं बेलना। और एक कटोरी या कुकी कटर या ढक्कन, जिससे भी आप इनको काटना चाहें, हम इस तरह से इसके राउंडल्स निकाल लेंगे, जितने भी हमारे एक, ये देखिए जितने भी हमारे एक रोटी में निकल आए जो हमने बेली है, उतने राउंडल्स निकाल लेंगे हम इसमें से। और ये देखिए जो ये आटा बचा है इसको हम निकाल लेंगे, और हमारे ये देखिए पीस, और इसको भी हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा आटा डस्ट कर सकते हैं, पर मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, मैं कम ही आटा लगा के बेलना पसंद करती हूँ, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा आटा लगा के बेलेंगे तो ये आपके फटेंगे नहीं। और इसको हम ये उंगली बीच में रखिए ऐसे, और इधर से ये ऐसे देखिए, और इसको हम ऐसे कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए ये हमारा बन गया स्मूथ सा एक राइस शेल। ये देखिए ऐसे लिया, और ये उंगली हमने इसके बीच में रखी ऐसे, और इसको इधर से लिया ऐसे, ये देखिए ऐसे, इस पर लगाएंगे हल्का सा पानी, और ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ बना है, साफ बना है, मैंने अच्छे से आटा लगा के बेला है। ये देखिए ये हमारा कैनोपी तैयार है। ये ऐसे ही मैं सारे शेल्स बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तेल गरम हो रहा है, चेक कर लेते हैं तेल गरम है कि नहीं। इसमें मैं डालूँगी एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए ये अब गरम हो रहा है। हमें ये बिल्कुल ठंडे तेल में नहीं डालने हैं, अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो ये पानी पी जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें ठंडे तेल में नहीं डाला, हमें रखा है, इसमें डालते जाएंगे। इसी तरह से और बना लेंगे। ये देखिए ऐसे हमारे, ये देखिए कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये, अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
कितने अच्छे से सीख गए। जो हमारे सीख रहे हैं उनको हम निकालते रहेंगे और जो हमने और बनाए हैं उनको इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा सीख गए हैं। देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे सारे तैयार हो गए हैं। ये भी हो रहे हैं। देखिए हमारे चावल्स के शेल्स के सारे तैयार हो गए हैं हमारी। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए, और आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए कितने करारे हैं। ये देखिए, और शेप कितनी अच्छी आई है। देखिए दोनों साइड से, ये देखिए खुले हैं और कितने करारे बने हैं। ये देखिए आवाज़ सुनिए अब। और इसको आप एक महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं और अलग अलग ढंग से बाई जल्दी। कभी कभी ऐसा हो जाता है गेस्ट आते हैं और घर में कुछ नहीं होता, अगर ये बने रखे हों तो आप इनको अलग अलग ढंग से सर्व कर सकते हैं। एक दो तरीके से तो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मेयोनीज भर दी है इसमें, और इसको भी चाहें तो आप ऐसे सेव से लगा के, ये देखिए इसी तरह से कोई भी हरी चटनी या सॉस, आप जो भी आपको पसंद हो इस तरह से लगा के, देखिए इस तरह से अलग अलग ढंग से हम इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद जो भी फिलिंग भरना चाहें वो भर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल इस समय यही चीज़ें थी तो मैं इसी से भर के दिखा रही हूँ आपको। आप इसमें आलू की फिलिंग भर के भी बना सकते हैं। आप इसको कच्ची सब्जियां काट के, खीरा वीरा काट के वो लगा के भी उस वो भी भर सकते हैं आप इसमें, बहुत टेस्टी लगेंगे। देखिए आप इसको, मैंने तो ये इस तरह से सर्व करी है, आप बताएं आप कैसे सर्व करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप इनको किस तरह से सर्व करेंगे। देखिए ये मैंने म्यूनिस से फुल करी है, ये मैंने इसमें सॉस भरी है अंदर, और इसमें मैंने ये पनीर की फिलिंग भरी है। देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब इनको, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई किए तो आपके कैसे बने। देखिए कितनी बढ़िया हमारी राइस शेल्स बने हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई किए तो आपके कैसे बने। थैंक यू।